बस देखी क्या गया आज पूरे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल द्वारा प्रत्येक मुख्यालय पर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में 260% से लेकर 350% तक जो बिजली के मूल्य में जो वृद्धि की है उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल ने आज पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। और आज प्रशासन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया और प्रशासन को चेताया कि आगामी 10 दिन के अंदर अगर जो इन्होंने बेनतहा मूल्य वृद्धि की है बिजली के बिल में, बिजली के बिल अगर वृद्धि को कम ना किया तो राष्ट्रीय लोकदल पूरे प्रदेश के बिजली घर को घेरने का काम करेगा और किसान और आम आदमी की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। आज हमारी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्याएं लेकर के, गन्ने की समस्याएं, किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया है। उसमें किसान को जो बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं, बिजली के रेट बढ़ाए गए हैं और दूसरे कनेक्शन ना देना, बिजली का रोस्टिंग होना, समय पे ट्रांसफार्मर ना मिलना, किसान के साथ में बड़ी ज्यादती हो रही है। और उसी समस्या में हमने गन्ने का लिया भी उसमें वो जोड़ा है, धान की, आलू की सारी समस्याएं उसके साथ हमने जोड़ दी हैं जिससे कि किसान को उसका उचित लाभ मिल सके।